वर्तमान समय में बर्ड फ्लू को लेकर कुक्कुट पालक व आम नागरिकों में भय का माहौल है, लेकिन जिस विषाणु के संक्रमण से इस समय कुछ स्थानों पर मुर्गियों में बर्ड फ्लू का संक्रमण नजर आ रहा है, ये विषाणु इंसान को साधारणतः बीमारी से बाधित नहीं करता है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। मूलतः बर्ड फ्लू पक्षियों में पाया जाने वाला संक्रमण है, ये इंसान का नहीं, ये मत महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विवि नागपुर अर्थात मावसू के उपकुलपति प्रोफेसर डॉक्टर आशीष पातुरकर ने व्यक्त किया है। अकोला की पशु वैद्यक व पशु विज्ञान संस्था की ओर से आखिर बर्ड फ्लू क्या है, वास्तव व शंका निराकरण, इस विषय पर आयोजित ऑनलाइन व्याख्यान के उद्घाटन के अवसर पर वे मार्गदर्शन कर रहे थे। उन्होंने अपने वक्तव्य में बर्ड फ्लू को लेकर शंकाओं का निराकरण किया है। आखिर बर्ड फ्लू क्या है, वास्तव व शंका निराकरण, इस विषय पर आयोजित ऑनलाइन व्याख्यान में कई विशेषज्ञों ने अपना मत व्यक्त किया, जिसमें डॉक्टर कुरकुरे ने वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से बर्ड फ्लू का होने वाला प्रसार, लक्षण व निदान पर वक्तव्य करते हुए इस समय जो बर्ड फ्लू का कहीं कहीं असर दिख रहा है, ये इंसान के लिए संक्रमण की क्षमता ना रखने वाला है, ये जानकारी थी। अंडे चिकन उबालकर या पकाकर खान पान में इस्तेमाल करने से कोई नुकसान नहीं होता, ये भी जानकारी दी। अगर किसी को मृत पंछी दिखाई दे तो इसे स्वयं हैंडल ना करें, बल्कि एहतियात के तौर पर समीप के किसी पशु वैद्यक से संपर्क करें, ताकि इसकी सही जांच हो सके, यह आह्वान डॉक्टर परकाले ने किया है। समापन समारोह के भाषण में डॉक्टर आहिर ने समाज प्रबोधन के हेतु आयोजन करने के लिए स्थानीय संस्था का अभिनंदन किया। चिकित्सालय अधीक्षक कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर सुनील वाघमारी ने इस ऑनलाइन कार्यक्रम का सूत्र संचालन किया। डॉक्टर सतीश मनवर ने आभार प्रदर्शन की जिम्मेदारी निभाई। डॉक्टर किशोर पजई, डॉक्टर मंगेश बड़े, डॉक्टर गिरीश पंच भाई व आदि ने आयोजन के लिए योगदान दिया। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से bscrimeindianews.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।